नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल सरकार कह रही है कि आदिवासी हमारे साथ है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा कि भाजपा के लोग राष्ट्र सेवा संघ के लोग आदिवासियों पर हमला कर रहे हैं। प्रदेश के सिवनी में जो घटना हुई है वह बड़ी शर्मनाक घटना है। वहां पर 2-3 नौजवान को पकड़ के ले गए, 2 की हत्या कर दी गई, एक अभी मौत से संघर्ष कर रहा है। इस युवक ने अपने बयान में भी कहा है कि आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने हमला किया है। पूरे प्रदेश में भय का वातावरण है। सरकार कह रही है कि आदिवासी हमारे साथ है, कैसे आदिवासी साथ होंगे? आदिवासी खुद भयभीत है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन के ऊपर दबाव है और आरएसएस और बजरंग दल के ऊपर कोई कार्रवाई न हो। आप ठीक कह रहे हैं, क्यों सरकार कह रही है कि आदिवासी हमारे साथ है, पर सरकार के लोग ही है, भाजपा के आरएसएस के लोग हैं, आदिवासी के ऊपर हमला कर रहे हैं। आदिवासी बरघाट सिवनी में जो घटना घटी बड़ी शर्मनाक दर्दनाक घटना है। वहाँ पे 2-3 नौजवान को पकड़ के ले गए, 2 को हत्या कर दी, एक अभी मौत से संघर्ष कर रहा। उसने अपने बयान में भी कहा कि आरएसएस बजरंग दल के लोग थे और उन्होंने हम पे हमला किया। और इस तरह से करके पूरे प्रदेश में जो आज भय का वातावरण बना हुआ है, और सरकार कह रही है आदिवासी हमारे साथ, कैसे आदिवासी साथ होंगे? आदिवासी खुद भयभीत हैं, उनकी न सुनी जा रही है। प्रशासन के अधिकारी के ऊपर दबाव है आरएसएस बजरंग दली कि उनको कोई कार्रवाई नहीं करे। आज जो सिवनी बरघाट में जो हुआ, आप करने वाले 25 लोग थे, बस 4-5 लोगों पर कार्रवाई करके बता दिया, हमने कार्रवाई कर दी है। सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जितने भी गए थे वो सरकार से हमारी मांग, वो हम महामहिम राज्यपाल को दी। देखिए 2023 का जो चुनाव होना है वो सांप्रदायिक होना है, बिल्कुल 2023 में जो चुनाव होने वाला है, और निश्चित अब गांव-गांव घर घर आदिवासी इस बात को समझ गया है। ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपति की सरकार है और ये सरकार कभी गरीबों को सुनेगी नहीं, और सब आए दिन हमला हो रहा है, और जितने आरएसएस बजरंग दली वही हमला कर रहे हैं और सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो सरकारी खुद उनके लोग अगर अत्याचार करें, सरकार सुने दे, अब आदिवासी कहाँ जाएंगे? अब आदिवासी खुद अपने आवाज़ उठाएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ डट के लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग भी मैदान में आएंगे। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट।